आपने बहुत बड़ी चिंता की, मैं आपकी सहृदयता की प्रशंसा करता हूं। आपने चिंता की मॉब लिंचिंग के भोग बनने वालों की। मॉब लिंचिंग का भोग वह बनता है जो गायों को हत्या के लिए ले जाता है। भारत में कानून काम करे वह बात आपने कही, पर आपने गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, यह मुसलमानों को डंके की चोट पर कहा। अब तो आपका झंडा आसमान में लहरा रहा है, तो कानून कानून का काम करेगा। तो क्या मोहन जी भागवत, आपने गौ हत्या बंदी का केंद्रीय कानून संसद में बनवाया? गुरु गोलवेलकर जी ने तो गौ हत्या बंदी का संसद में कानून के लिए 1966 में हजारों लोगों को संसद पर भेजा था, सैकड़ों मारे गए थे। मुझे बताओ, गौ हत्या बंदी का कानून होगा और गौ हत्या ही नहीं होगी, कोई गाय को हत्या के लिए ले ही नहीं जाएगा, तो बोलो मॉब लिंचिंग होगा? मॉब लिंचिंग रोकने का प्रयास यह है कि गौ हत्या होनी ही नहीं चाहिए। आपको उनकी चिंता नहीं है? और आपने वहां तक क्या कि गौ हत्या रे आतताई टेररिस्ट। मोहन जी, गौ रक्षा करने वाले को आतंकवादी कहने का काम देश के किसी राजनीतिक दल ने आज तक नहीं किया है। मैंने 32 साल विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व किया, वहां गौ रक्षा विभाग था, गौ हत्या रोकने का काम करता था। उनका कि आपके नेतृत्व में और यह आपके नेतृत्व के पहले भी सुदर्शन जी, रजू भैया, बाला साहब देवरस, उन सबके नेतृत्व में आपके वहां गौ रक्षा करने वाले टेररिस्ट आप पैदा करते थे, एक गौरक्षक आतताई टेररिस्ट। यह ज्ञान आपको कौन से वृक्ष के नीचे, कौन से भाईजान के बीच प्राप्त हुआ? आपको गौ हत्या की चिंता नहीं है? देश में 1,00,000 गायें कट रही है आज भी, गौ हत्या के लिए आपको रोना नहीं आ रहा है? गौ हत्या रे कसाई, पर आप आंसू बहा रहे हो। इतिहास गवाह रहेगा कि आपने गौ हत्यारा का पक्ष ले लिया है। आपने गौ हत्यारा का पक्ष ले लिया है, आपने गौ रक्षकों का पक्ष नहीं लिया है। आपने एक बात और कही कि हिंदू मुस्लिम अलग है ही नहीं, तो क्या है? हिंदू मुस्लिम एक है। मोहन जी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से ये कांग्रेस कह रही थी हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक है। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, मैं डॉक्टर हेडगेवार कहता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही राष्ट्रीय है। यह देश में एक कांग्रेस की विचारधारा थी, एक डॉक्टर हेडगेवार की विचारधारा थी, हिंदू मुस्लिम एक है, अलग नहीं है। पाकिस्तान बन गया, यह विचारधारा पर विश्वास रखकर पाकिस्तान बन गया। 10,00,000 कट गए, 1,00,000 शरणार्थी हुए। आपने यह विचारधारा का स्वीकार कर लिया, आपने देश बटने वाली, हिंदू को कटाने वाली विचारधारा का स्वीकार कर लिया। धन्यवाद, आपने कांग्रेस की विचारधारा का स्वीकार कर लिया। मैं कहूंगा कि कल कांग्रेस जीत गई,
डॉक्टर हेडगेवार हार चुके हैं। कांग्रेस जीत गई, डॉक्टर हेडगेवार हार गए। आपने डॉक्टर हेडगेवार को छोड़ दिया, कांग्रेस को अपना लिया। और हिंदू और मुसलमान एक है, यह ज्ञान आपको भाईजान के बीच प्राप्त हो गया तो देश बटा क्यों? निकिता तोमर राकेश पंडिता की हत्या हुई क्यों? यह प्रश्न का तो उत्तर देना पड़ेगा। आपने और एक बात कही, छोटी तिलक माला वाला ही हिंदू नहीं है। मोहन जी, हिंदू कौन है वह निर्णय करने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप तो धर्म को मानते नहीं है, जीवन पद्धति की बात करते हो। तो हिंदू कौन है वह निर्णय करने का अधिकार किया डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया तिलक लगा कर बैठा है, उसके गले में माला है। आप क्या मेरे तिलक का अपमान कर रहे हो, मेरी माला का अपमान करते हो? यह मेरी तिलक और माला का अपमान नहीं है, मेरी सनातन वैदिक परंपरा का अपमान है। यू हैव इंसल्टेड सनातन वैदिक हिंदू ट्रेडिशन। हिंदू कौन है उनकी व्याख्या आप करो। मेरे तिलक को क्यों अपमानित कर रहे हो, मेरी माला को क्यों अपमानित कर रहे हो? मेरा मंदिर, मेरी तिलक, मेरी माला, मेरे तिल, यह हिंदू की पहचान है। हिंदू कौन यह तय करने का अधिकार आपका नहीं है, और अपमान करने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं। आपने एक बात कही कि एकता का आधार राष्ट्र होगा। मोहन जी, मुझे बताओ, हम एक कार में काशी जाएंगे तो यह कार में मेरी भी बैठने की तैयारी होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए ना। मैं कार में बैठ जाऊंगा और आप कहोगे कि मैं पैदल जाऊंगा तो साथ में काशी कहां पहुंचेंगे? आपने कहा हिंदू मुस्लिम एकता का आधार राष्ट्र। मुझे यह बताओ और भारत के हिंदुओं को समझाओ कि इस्लाम राष्ट्र को मानता है क्या? इस्लाम राष्ट्र को नहीं मानता है। इस्लाम सिर्फ अल्लाह, उम्मा, कुरान और शरीयत को मानता है। इस्लाम यदि राष्ट्र को नहीं मानता है, जिन पर उनकी श्रद्धा ही नहीं है, तो वह हिंदू मुस्लिम एकता का आधार कैसे बन सकता है? अखंड भारत के स्मरण की बात हर रोज सुबह करते रहे। अब तो पाकिस्तान में हमारे पुरखे, अफगानिस्तान में, अखंड भारत का क्या होगा? 14 शताब्दी से हिंदुओं के गौरव, हिंदुओं के सम्मान, हिंदुओं के रक्षा का अभियान चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है। वह यज्ञ का नाम हिंदुत्व है। वह तिलक धारण करेगा या नहीं करेगा, वह हिंदुत्व अभियान का हिस्सा है। आपने यह सब कह के 1400 शताब्दी के हिंदुत्व की अभियान को, हिंदू मूवमेंट को, हिंदू रेनेसा को अपमानित किया है। 1400 शताब्दी में बलिदान देने वाले पुरखों को, बलिदान को व्यर्थ किया है। अनेक लोगों ने संघर्ष करके यह हिंदू अभियान को विजय तक ले जाने के प्रयास को विफल करने का प्रयास किया है। मैं भी 52 वर्ष से आरएसएस का संयोजक हूं, सरसंघ चालक बने होंगे। मेरे जीवन का योगदान
आरएसएस में कम नहीं है, 25 साल हम साथ में बैठे हैं। आप लोगों के एक शब्द पर 42 साल की उम्र में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कैंसर सर्जन की प्रैक्टिस करके हॉस्पिटल और घर बार छोड़ दिया। मैं मेरे गौरव के लिए नहीं कहता हूं, मेरे जैसे लाखों लोगों ने, कोई प्रचारक बन गए, कोई ने घर बार छोड़ दिया, हमने हिंदुत्व के गौरव के लिए किया था। आपने 100 वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक संघ में बलिदान देने वाले लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों के बलिदान को अपमानित किया है। इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। 90 साल तक, 95 साल तक कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही राष्ट्रीय है। आज भी मेरे कानों में गुरु गोलवेलकर की आवाज गुंज रही है, जिन्होंने कहा था राष्ट्रीय कौन, जिनके पुरखे एक है, जिनके मित्र एक है, जिनके शत्रु एक है। गुरु गोलवेलकर कहते थे महाराणा प्रताप हमारा पूर्वज है, अकबर हमारा शत्रु है, शिवाजी हमारा पुरखा है, गुरु गोविंद सिंह हमारा पुरखा है, औरंगजेब हमारा शत्रु है। आपने मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। 1400 पहले इस्लाम नहीं था, और 1400 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था तो मोहम्मद पैगंबर खिलजी घोरी के बिना हिंदुत्व अधूरा था। हिंदुत्व को पूर्ण होने के लिए एक गजनी घोरी का इंतजार था। हिंदू को मूर्ख समझ कर रखा है, और अब उनसे आगे जाकर हिंदू मुसलमान हम सबके पुरखे एक है, हमारा डीएनए एक है, यहां तक चले गए। यह हिंदू मूवमेंट को डीमोरलाइज करने का प्रयास है, हिंदू मूवमेंट को डीमोरलाइज करने का प्रयास है, अपमानित करने का प्रयास है। इतना नहीं, हिंदुत्व के लिए देश भर में खड़े रहे आज जो लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको अपमानित करने का प्रयास है, हिंदू के भविष्य पर अंधकार लाने का प्रयास है। हिंदू वह चौराहे पर खड़ा है, हिंदू वह चौराहे पर खड़ा है। देश स्वतंत्र हुआ तब 86% थे, अब घटते घटते 78% हो गए, 78 को घटकर 48, अल्पसंख्यक होने में 40 साल का इंतजार है। हिंदू क्रॉस रोड पर चौराहे पर खड़ा है, और हिंदुओं ने इतना बलिदान देकर देश में इतनी बड़ी हिंदू मूवमेंट खड़ी की। अब समझ में आता है कि अयोध्या में सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में जो जमीन खरीदी थी, वह अपने पुरखा सुल्तान अंसारी को 10 मिनट में 18.5 करोड़ खरीद कर क्यों दे दी? क्योंकि सुल्तान अंसारी भी पुरखा है ना। अब समझ में आता है, जिंदगी भर बाबरी मस्जिद के लिए लड़ने वाला इकबाल अंसारी राम मंदिर के प्रारंभ में था, अब समझ में आया कि बाबरी मस्जिद के लड़ रहा है पर पुरखा है ना। अब समझ में आया, पर इतिहास हिंदू व क्रॉस रोड पर खड़ा है, जिनका आगे आने वाले समय में नामों निशान मिट जाएगा या हिंदू विजेता बनकर आगे निकल जाएगा। मेरे हिंदू भाइयों, हमें किसी से द्वेष नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, न व्यक्ति से न संस्था से, हर एक का इतिहास में रोल है। आज भी मैं मोरोपंत पिंगले को नहीं भूला हूं, मेरे पुरखे तो वह मोरोपंत पिंगले हैं, जो घर बार छोड़कर प्रचारक निकलकर
गौ रक्षा के लिए जिनको जीवन दे दिया, जिन्होंने राम मंदिर मूवमेंट खड़ी करवाई, आज मोरोपंत पिंगले होते तो आतताई बन जाते, क्योंकि गई रक्षा के लिए मोरोपंत पिंगले लड़े थे। हमें तय करना होगा कि हिंदुओं का गौरव रक्षा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए भारत का संविधान और लोकतंत्र को स्वीकार करके कैसे आगे बढ़ना। याद रखिए, हिंदुओं की कृपा से देश का कोई भी संगठन है, अर्थात हिंदुओं की कृपा से आरएसएस है, आरएसएस की कृपा पर हिंदू नहीं है। जब आरएसएस नहीं था तब मुगलों के समय में हिंदू जिंदा था, आगे भी जिंदा रहेगा। मेरे जैसे प्रामाणिकता से 52 वर्ष आरएसएस की सेवा करने, समर्पण करने वाले, घर बार छोड़ने वाले, ऐसे 95 साल में समर्पण करने वाले और आज जिंदा है वह सभी स्वयंसेवकों को प्रणाम करता हूं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, पर जो दिशा बन रही है वह हिंदू सर्वनाश की दिशा की ओर ले जा रहे हैं। भारत का संविधान हमें स्वीकार्य है, लोकतंत्र स्वीकार्य है, पर भारत के संविधान ने मॉब लिंचिंग करने वाले को आतताई करके गौरक्षा के पवित्र कार्य को अपमानित करने का अधिकार कहां से दिया? गजनी घोरी खिलजी को पूर्वज कह के हिंदू रेजिस्टेंस को समाप्त करने का अधिकार कैसे दिया? मेरे स्वयंसेवक भाइयों, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता यह संकल्प लेकर 10 साल की उम्र में मैं खड़ा आपकी भांति हुआ था। आज मैं चिते हिंदू के नाते अपमानित अनुभव कर रहा हूं। आओ मिलकर फिर से एक ऐसा भारत बनाए जहां संविधान भी होगा, लोकतंत्र भी होगा, पर जहां हिंदू सुरक्षा समृद्धि सम्मान होगा। यह होना है तो योग्य दिशा में जाना होगा, और गलत दिशा में जाने वाले को हमें बाय बाय करना होगा। फिर से मैं कहूंगा कि हमारा पूर्वज कोई शोबाजी न करके सोमनाथ का मंदिर बनाने वाला सरदार पटेल है, शिवाजी महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह हैं, हमारे पुरखे गजनी के पिल्लू नहीं हैं। जय सोमनाथ, जय भवानी, जय शिवाजी, जय काशी विश्वनाथ, जय अखंड हिंदू राष्ट्र।